बरेली में बुजुर्ग ने वीडियो वायरल करके पुलिस से लगाई सुरक्षा देने की गुहार। बेटे व बहू से बताया जान का खतरा, कहा मेरी पत्नी के पहले ही मार चुके हैं, अब ये लोग जायदाद के लिए मेरी जान लेना चाहते हैं। यदि मेरे साथ कोई घटना होती है उसके जिम्मेदार मेरे बेटा व बहू होंगे। दरअसल बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करके बरेली पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। वायरल वीडियो में बुजुर्ग का कहना है कि मैंने अपने बहू व बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, जिसके कारण बेटा और बहू मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं और इन लोगों ने मेरे जान लेने के लिए गुंडे लगा रखे हैं, जो कि किसी भी समय मुझे मार सकते हैं। इन लोगों ने मेरी पत्नी को भी मार दिया, जो कि मरने से पहले एक नोट लिखा छोड़ गई थी, जिसमें मेरी पत्नी ने बेटे व बहू को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है, जिसमें प्रेमनगर थाने में एक मुकदमा भी चल रहा है। अब यह लोग मेरी हत्या करके जायदाद हड़पना चाहते हैं, मजबूर होकर मुझे बरेली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं प्रेमनगर थाना में पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत करके जांच में जुट गई है। कभी भी मेरी भी जो है हत्या कर सकते हैं, पीछे गुंडे बदमाश लगा करके भी, या स्वयं भी मेरी हत्या कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इनको तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाए, ताकि मेरी जान बच सके, अन्यथा ये मेरे को निश्चित रूप से मेरी भी हत्या कर देंगे। यदि भविष्य में मेरी हत्या होती है या मेरी बेटी दामाद के साथ कोई दुर्घटना घटती है, तो इसके जिम्मेदार शिखर निधि व इसके परिवार वाले माने जाएं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से पुनः विनती है कि महोदय इनको तुरंत ही जल्द से जल्द इनको जो है गिरफ्तार किया जाए, और ताकि जो है ये मेरी हत्या होने से बच जाए और मैं जी सकूं और अपने घर में जो हूं आराम से रह सकूं। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम मोहन सिंह न्याल है, वो थाना प्रेमनगर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा अपने पुत्र शिखर न्याल और पुत्र वधु निधि न्याल के ऊपर जान से मारने की धमकी देने और अपने जर्मन से पट कुत्ते को छोड़ देने, सीसीटीवी कैमरे को खुर्द कर देने एवं घर पे अवैध कब्जा कर लेने आदि और कतिपय आरोप लगाए गए हैं। इस संदर्भ में थाना प्रेमनगर पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 307 380 के सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें दो लोग नामजद हैं, जिनमें इनके पुत्र और पुत्र वधु हैं। इसमें हम जांच कर रहे हैं, साक्ष्य के आधार पर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।